दिल्ली के इंदलोक इलाके में नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। यह बदसलूकी किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने की है। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर सख्त एक्शन लिया गया है। इस SI को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल शुक्रवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए थे। भीड़ के कारण ये लोग मस्जिद के बाहर सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, जिसे देखते हुए SI ने उसे लात मारते हुए वहां से भगाने का प्रयास किया। SI की इस हरकत पर उत्तरी जिला पुलिस ने उस पर कड़ा एक्शन लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरार रोहिल्ला थाना अंतर्गत इंद्रलोक इलाके में यह वारदात आज सुबह की है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुँचते हैं। हर सप्ताह की तरह इस शुक्रवार भी वहां पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ मौजूद थी। हालांकि भीड़ के चलते सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ था, जिसे देखते हुए स्थानीय पुलिस जाम को खुलवाने की जिम्मेदारी थी। इसी कड़ी में यह SI अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचा। SI ने नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मार कर उठाने का प्रयास किया। कुछ लोगों को उसे जबरन खींचा। पुलिस कर्मी की इस हरकत को देखते हुए वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद मामला आला अधिकारियों तक भी पहुंच गया। इस किरकिरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस के शीर्ष स्तर के अधिकारियों ने कार्रवाई का निर्णय लिया। इस सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।